तो आज अपने पास KTM, तो गाड़ी में आज में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम। तो देखो, एक प्लग खोलने के लिए भी गाड़ी में क्या दिक्कत, गाड़ी कंपनी ने बना दी थी पर प्लग खोलने के लिए भी क्या खोलना पड़ता, पूरी टंकी तक निकालनी, पूरी पूरी फेरी अलग खोलनी पड़ी, और प्लग भी आप लगा लो कितना अंदर गया, प्लग भी इसका काफ़ी अंदर दे रखा है। जो भी देखो प्लग की ये डॉक्टर से मैं उसका प्लग खोलने वाला हूँ, दिखाऊंगी देखो प्लग की कितनी लंबी है इसकी, ये लग रहा है ये देखो। और थोड़ा प्लग कंपनी ऊपर दी तो खोलने में और आसानी हो जाती है, मानो बाई चांस गाड़ी रास्ते बीच में कहीं ख़राब हो जाए, वहाँ ना मिले मैकेनिक, नॉर्मल मैकेनिक हो तो देखते मना कर देगा भाई ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी थोड़ा ऐसा देना चाहिए इजिली प्लग विलग जैसे गाड़ी का शॉर्ट हो जाए या कोई दिक्कत है तो इजिली खुल जाए और गाड़ी अपनी सही हो जाए। अब ये तो नहीं हर जगह बेहतरीन अच्छा मैकेनिक मिलेगा या हर जगह एजेंसी होगी, तो इसे पकड़ो पकड़ो मेरा टंकी को टंकी, तो इसलिए देख लो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमारे पास ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले कोई भी मैकेनिक हो सबसे पहले गाड़ी का देखो कोई चीज़, सबसे पहले इंसान प्लग चेक करता है भाई, नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है गाड़ियों के प्लग शॉर्ट हो जाते हैं, मुझे लगता है प्लग शॉर्ट होगा। प्लग खोलने के लिए भी अलग पूरी गाड़ी ये अलग अलग बिल्कुल हमें खोलनी पड़ी, टंकी लगाने के लिए हटानी पड़ी, टंकी रहने भी प्लग भी अला लो इतना अंदर है इसका, उसके लिए भी पाना भी अलग चाहिए, लंबा पाना इसके लिए चाहिए, नॉर्मल पाने से ये वैसे भी नहीं खुलने की, इसके लिए लंबा पाना चाहिए खोलने के लिए। तो थोड़ा सा ये जब भी गाड़ी ऐसी हो और आपके पास टूल्स हो, स्पेशल वीडियो बनाने के मकसद था, अगर आपके पास इसके गाड़ी के टूल्स हो तो गाड़ी आप खोलें, अदरवाइज आपके पास गाड़ी आती है खोलने के लिए मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ, प्लग बीच का खोल के दिखाऊंगा, एंड अदरवाइज गाड़ी को मना करते हैं। पता लगा आपने गाड़ी खोली और आपने देखा यार मेरे पास तो प्लग पानी नहीं है इतना लंबा, तो इसलिए गाड़ी को फिर आपको मना करना पड़ेगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा और कस्टमर का भी टाइम ख़राब होता, तो इसलिए गाड़ी के सही करने के लिए सबसे पहले टूल्स की ज़रूरत है और थोड़ी बारीकी की यहाँ इसकी बैटरी रखी जाती है, बैटरी इसकी वो रखी जाए बाइक के ऊपर, बैटरी यहाँ है इसकी, सेल्स की रिले भी इसकी यहीं है, सेल में कोई दिक्कत आती है रिले भी यहीं है, बाकी छोटे रिले भी यहाँ दे रखी हैं, फ्यूज़ बार सब यहीं है, पर गाड़ी का फ्यूज़ भी उड़ता है तो हमें यहाँ से ही आगे तक खोलना पड़ेगा, ये टंकी हटानी पड़ेगी, जब ये अपने यहाँ से फ्यूज़ सेल बेल्ट सब यहीं से ही हो पाएगा गाड़ी का।